किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्री फैक्ट में। किसान साथियों, जो गन्ने की हमारा महीना है वो सितंबर और अक्टूबर चल रहा है लगभग। किसान साथियों, हमारा जो लास्ट के लगभग दो ही महीने हमारे पास गन्ने के ग्रोथ के लिए बचे हैं किसान साथियों, और ये लास्ट टाइम है। इस टाइम पर हमें गन्ने में किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस वीडियो में हम बताएंगे, और इन चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखा किसान साथियों तो आपको पैदावार बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा आपको अपना फसल देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी आपकी गन्ना पैदावार देकर जाएगा। किसान साथियों, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान साथियों, लास्ट का टाइम जो है किसान साथियों, आपके जब गन्ना कटाई के लगभग दो या तीन महीने रह जाते हैं उस टाइम पर किसान साथियों आपको जो लास्ट खाद है यूरिया गन्ने के अंदर ज़रूर ज़रूर डालना है। यूरिया प्रति एकड़ एक कट्टा आप जरूर डालें, ज़्यादा भी ना डालें। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके गन्ने की बढ़वार भी बढ़ेगी और किसान साथियों उसमें रस की मात्रा बढ़ेगी, वनस्पतिक वृद्धि बढ़ेगी, जिससे आपके गन्ना ज़्यादा वजनदार बनेगा और ज़्यादा रस भरा होगा, जिससे पैदावार हमें ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। दूसरी किसान साथियों, आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम पर आपके गन्ने के अंदर नमी बरकरार रहे। जितनी ज़्यादा नमी बनी रहेगी गन्ने के अंदर, गन्ना उतना ही ज़्यादा आपका वजन देगा, उतना ही ज़्यादा पैदावार अच्छी देगा। अगर नमी ख़त्म हो जाती है, खुश्की ज़्यादा हो जाती है, तो गन्ने के अंदर रस की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वजन हमारा घट जाता है और गन्ना पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता। और लास्ट के टाइम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगोला हमारा हरा भरा रहे। जितना ज़्यादा अगोला आपका ऊपर का भुंची हरी भरी रहेगी, गन्ना उतनी ज़्यादा शानदार पैदावार देगा, उतनी ज़्यादा आपको अच्छी फसल देखने को मिल जाएगी। और लास्ट टाइम पे किसान साथियों, हमें कुछ बीमारियों की शिकायत भी कभी कभी देखने को मिल जाती है, जैसे टॉप बोरर जो ऊपर से कन्या भी बोलते हैं आ जाती है, या किसान साथियों पोका बोइंग। पोका बोइंग भी अपना अकोला झाड़ देता है और आपका टॉप बोरर में भी अकोला ख़राब हो जाता है, इन पे आपका खाली गन्ने का ठुंठा रह जाता। तो इस तरीके की अगर कोई भी बीमारी गन्ने में दिखाई दे तो पत्ती साफ करके आप एक स्प्रे जरूर इन बीमारियों की करा दें, जिससे आपका लॉस ना हो सके। देखो, गन्ना 80 से 100 क्विंटल प्रति बीघा निकलता है, बहुत अच्छी पैदावार देता है। अगर इन बीमारियों को आपने करीब नहीं आने दिया तो आपकी अच्छी पैदावार को कोई नहीं रोक सकेगा। तो गन्ने का बस ये लास्ट टाइम है, इस टाइम पर आप नमी बना रखें, एक यूरिया मार दें, और किसी तरीके की कोई बीमारी आपके गन्ने में दिखाई दे तो उसका तुरंत इलाज करें। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।